तो दोस्तों आखिर कौन है बिग बॉस के टॉप 5 मोस्ट लव्ड कंटेस्टेंट जिनको पूरा हिंदुस्तान पसंद कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार दे रहा है, तो उसी बारे में बात करेंगे और कौन कौन इस लिस्ट में है उस बारे में भी बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूँ आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांडू। आपको बता दें कि ये जो लिस्ट आउट हुई है इसमें बहुत सारे लोगों के नाम है एक हिसाब से अगर देखा जाए तो, और ओवरऑल कुछ ऐसे भी नाम हैं जिनको लेकर शायद बहुत सारे लोगों को शंकाएं भी हो सकती है कि यार इनका नाम इस लिस्ट में कैसे है। और बता दूं आपको तो जिस तरीके से ये लिस्ट चल रही है इसमें दो नाम जो है ना वो कांटे की टक्कर पे है, मतलब समझ लो कि एक ही साथ चल रहे हैं, कभी ये आगे कभी ये आगे, कभी ये पीछे तो कभी ये आगे, उसी तरीके से मतलब ये लिस्ट चली जा रही है, जिसमें अगर देखा जाए तो जनता के पोल्स और जनता की पसंद के हिसाब से इस लिस्ट को तैयार किया गया है। और इस लिस्ट के हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों पांचवें नंबर पर जो नाम बना हुआ है वो है मनारा चोपड़ा का, उसके बाद जो है चौथे नंबर पर जो नाम हमको देखने को मिल रहा है वो है विकी जैन का, तीसरे नंबर पे जो नाम हम देख पा रहे हैं वो नाम है अंकिता लोखंडे का, यानी कि भाई अंकिता भी कहीं ना कहीं गेम में कमाल मचा रही हैं। और दूसरे नंबर पे जो नाम आ रहा है वो अनुराग डोभाल का दोस्तों, और पहले नंबर पे जो नाम है वो मुनव्वर फारूकी का। ये जो दो नाम है मुनव्वर फारूकी और अनुराग डोभाल, भाई इन दोनों में एक आपस में ही कड़ी टक्कर चल रही है, या फिर यू कह लो कि आपस में ही कॉम्पिटिशन चल रहा है कि भाई कभी मैं आगे हूँ तो कभी मैं आगे हूँ, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कांटे की टक्कर दे रहे हैं चाहे कोई भी लिस्ट हो। लेकिन देखा जाए तो भाई मुनव्वर हर लिस्ट में टॉप करते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो ऑर्मेक्स की लिस्ट हो या कोई पोल रिपोर्ट हो या अभी हाल फिलहाल बीबी किंग भी बन गए, तो ओवरऑल इस समय मुनव्वर का दबदबा थोड़ा सा ज़्यादा चल रहा है। वेलेज अगर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि मुनव्वर का जो पलड़ा है वो थोड़ा सा ज़्यादा भारी है अनुराग के मुकाबले, क्योंकि अनुराग इस समय खुद ही अलर्ट लगाए हुए घर जाना, बल्कि मुनव्वर स्ट्रांगली खेल रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, ज़रूर बताएगा हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।